हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक सम चैनल। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। इसे बनाने के रेसिपी, पहले मैंने कुकर में ऑयल ऐड किया। ऑयल गरम होते ही मैंने ऑनियन ऐड किया है, एक छोटा सा ऑनियन ऐड किया है। इसे अब मैं फ्राई करके ले रही हूँ। थोड़ा अच्छे तरीके से फ्राई करके लेना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जीरा, और ये है जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट है। इसे मैंने घर पे बनाया तो इसे मैं ऐड कर रही हूँ। आपको ग्रीन चिली जितना चाहिए उतना ऐड कर सकते हो, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब फिर से इसे अच्छे से फ्राई करके लेना है। फिर ये फ्राई होते ही हमें इसमें टोमेटो ऐड करना है। इसमें मैंने ऐड किया हुआ है टमाटर। फिर से इसे फ्राई करके लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो टमाटर और कांदा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। ये मैंने पालक को थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करके लिया हुआ था, उसका पेस्ट बनाया है, उसे मैंने ऐड किया हुआ है। उसका पेस्ट ऐड करके फिर से मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बॉईल होने तक फ्राई करके लेना है। 10 से 15 मिनट तक हमें इसे फ्राई करना है। अभी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें सारे मसाला ऐड कर देंगे। ये है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये थोड़े से गरम मसाला पाउडर। ये तीनों में मसाला ऐड कर दूंगी। आप लाल मिर्च पाउडर जितना चाहिए उतना ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी ग्रीन चिली ऐड किया हुआ है। तो ये सब मसाला ऐड करके फिर से इसे फ्राई करके लेना है अच्छे से। फिर इसमें थोड़ा सा बॉयल आते ही हमें इसमें वाटर मिलाना है। ये मैंने जिस पालक का ही पानी मिला रही हूँ, जिसे बॉयल करने के लिए रखा हुआ था, वही वाटर मिला रही हूँ। फिर इसे उबाल आने देना है। अब इसमें सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट देख के ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि हमने पालक बॉईल करते टाइम भी ऐड किया हुआ था। ये मैंने पोटैटो और पनीर को ऑलरेडी ऑयल में फ्राई करके लिया हुआ था, वो ले रही हूँ। और फिर से इसे मिक्स करके लेना है। पोटैटो ऑप्शनल है, तो दोनों भी मैंने ऐड कर फ्राई किया था, हल्का सा फ्राई किया था। फिर इसे अच्छे से मिक्स करके हमें 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही गैस को रखना है, मीडियम आंच पे। आप चाहिए तो कुकर का ढक्कन बंद करके एक सीटी भी दे सकते हो। अब हमारा पालक पनीर रेडी है। प्लीज़ इसे बनाना ट्राई कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।